भोपाल में करनी सेना की मांगों को लेकर कमेटी बना दी गई है, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते 27 अगस्त को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करनी सेना करने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल होंगे। करनी सेना की तरफ से चेतावनी दी गई है कि मांगों को पूरा करवा कर ही वापस लौटेंगे। इतना ही नहीं, क्षत्रियों को सत्ता में भागीदारी की मांग भी सेना की तरफ से की गई है। जो उद्देश्य है आज की इस प्रेस वार्ता का, वो उद्देश्य है क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए 27 अगस्त 2023 के रोज भोपाल में एक क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन किया है। इन 70 सालों में जो क्षत्रियों की उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को रोकने के लिए क्षत्रियों को एक होना होगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों की वितरण करती आई है। इस बार हम लोगों ने, करणी सेना परिवार ने, क्षत्रिय एकता का जो एक परिचय था वो हमने दिया, जातिगत समीकरण हमने बिठा दिया है। तो इस बार जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, उन चुनावों में क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी मिले, वो हमारी मुख्य मांग है। मसूरी में उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बैठक की। MHI हिंदी सलाहकार समिति के साथ भी बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है, और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति, जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा।